हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 8 की सब्जेक्ट हिंदी की वर्कशीट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। डेट आप लिखेंगे बच्चों इस वर्कशीट की 10 अगस्त 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बच्चों जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो देखते हैं आज की वर्कशीट। तो आज की वर्कशीट हम देखते हैं, प्यारे बच्चों आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़िया लेखक कामता नाथ का पहला भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हैं। तो आज की वर्कशीट में हम बच्चों लाख की चूड़िया पढ़ेंगे, इसके लेखक है कामता नाथ। अगर आपको चाहो तो इस पूरे पाठ को आप अपने वसंत की पुस्तक से पूरा पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं इसको हम। सारे गाँव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह बहुत सुंदर मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। ठीक है, तो इसमें जो लेखक है वो बत कहता है कि जो मेरा गांव में जब वो जाता था तो उसमें जो था बदलू, वो उसे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि वो उसको लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगे गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो जब जो लेखक था वो अपने गाँव में जाता था, अपने मामा के घर जाता था, तो उसको सबसे बड़ा लालच यही था कि उसको वहाँ पर रंग बिरंगी गोलियां मिलती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव के होने का कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहा करता था। तो लेखक कहते हैं कि जो बदलू था उसको मैं बदलू मामा ने कहकर क्या बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते, क्योंकि गाँव के सारे बच्चे वहाँ पर बदलू को बदलू काका कहते थे, इसलिए वो भी उसको बदलू को बदलू काका ही कहता था। बदलू का मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का पेड़ लगा था। तो लेखक बताता है कि जो बदलू था, ये बदलू आपको दिखाई दे रहा है, जो बदलू था उसके घर के सामने एक बड़ा सा सहन, मतलब एरिया था, खुला एरिया था, उसमें क्या था, एक बड़ा सा नीम का पेड़ था, उसी के नीचे बैठ कर बदलू अपना काम किया करता था। अपना काम मतलब वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। बगल में भट्टी रहती रहती और उसके पास यह एक भट्टी होती थी पास में ही, जिसमें वह लाख को पिघलाया करता। ठीक है, जो लाख था उसको वो पिघलाता था भट्टी में। सामने एक लकड़ी की चौकर पड़ी रहती जिस पर लाख की मुलायम होने पर वह लाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। तो क्या है, जैसे यहाँ पे एक लकड़ी दिखाई दे रही, जैसे ही लाख पिघल जाती तो उसको वो लकड़ी की चौखट पर क्या कर देता, उसको लपेट के चूड़िया का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती थी। लाख की चूड़िया का आकार देखकर वह उन्हें मंगेरिया पर चढ़ा गोल चिकना बनाता और एक एक करके पूरी हाथ की चूड़िया बनाकर चुकने के पश्चात ही वह उन पर रंग करता। तो इसमें क्या है, जैसे इसमें क्या होता है कि एक मंगेरिया थी, बेलनुमा मंगेरिया थी, जो आगे से पतली होती थी पीछे से मोटी होती थी। इसी से क्यों होती थी, ताकि वो सभी साइज़ की चूड़िया बना पाए। ठीक है, तो एक एक करके उस मंगेरिया पर डालता था और वो चूड़िया बनाता चला जाता था। पहले वो चूड़िया बनाता, उसके बाद उन पर रंग करता था। कुछ शब्द अर्थ है इस वर्कशीट के, तो चाव, चाव मतलब रुचि, त्रिविच्छा मतलब या फिर त्रिविच्छा, ठीक है, चाव का मतलब ही चाह, रुचि, त्रिविच्छा एक ही मीनिंग है। नेक्स्ट है सलाख, सलाख मतलब सिलाई या धातु की छड़। नेक्स्ट है मुंगेरी, मुंगेरी क्या होता है, गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने या पीटने के काम आती है। ठीक है, तो मुंगेरी आपको मीनिंग पता चल गया क्या होता है, जो किसी चीज़ को ठोकने या पीटने के काम आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गांव में बदलू ही लेखक को सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था। तो बदलू ही क्यों अच्छा लगता था लेखक को, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, क्योंकि वो लेखक को क्या देता था, सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गया। ठीक है, नेक्स्ट है, गाँव के सब बच्चे बदलू को क्या कहकर पुकारते थे। गाँव के सभी बच्चे बदलू को बदलू का क्या कहते थे, इसका आंसर भी गया हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है बदलू का काम क्या था, तो इसका आंसर आएगा लाख की चूड़िया बनाना, तो वो लाख की चूड़िया बनाता है, इसका आंसर क्या हो गया था। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, लाख की चूड़िया कैसे बनाई जाती है लिखिए, तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे आप, लाख की चूड़िया लाख नामक पदार्थ से बनती है। पहले लाख को गर्म करके पिघलाया जाता है, फिर लकड़ी की चौखट पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार दिया जाता है। तत्पश्चात गोल बेलन जैसे गुटके में डालकर उसे सही आकार देकर रंगा जाता है। तो पहले क्या कहते हैं, जो लाख की चूड़ी है उसको लाख को पहले पिघलाते हैं। ठीक है,
उसके बाद लाख को गर्म करके पिघलाया जाता है। उसके बाद लाख लकड़ी की चौखट पर उस लाख के समान पतला करके उसको हम पहले फिर पतला करते हैं और फिर उसको हम चूड़ी का आकार देते हैं और फिर इसको हम रंग देते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है, आपने अपने घर या आसपास लाख का कौन कौन सा सामान देखा है, इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपने मित्र या भाई बहन की सहायता ले सकते हैं। यह भी बताइए कि लाख का सामान आपको कैसा लगा। तो इसमें हम देखते हैं इसका आंसर हम, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बच्चों। लाख से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे यहाँ पे आप लिखें बनाई जाती हैं जैसे कि चूड़ियाँ, कड़े, विभिन्न प्रकार के सजावटी डिब्बे या डिबिया, सजावटी पेन, गले के हार, झुमके व अन्य प्रकार के गहने। और आपको इसमें पूछा गया था क्या अच्छा कैसे लगे आपको ये लाख की चीज़, तो मुझे लाख का सामान अच्छा लगा। तो ये आप कहेंगे मुझे लाख का जो भी सामान था वो अच्छा लगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6। क्वेश्चन बच्चों, आइए गतिविधि करते हैं। आपकी माँ या घर की कोई अन्य महिला कैसी चूड़ी पहनती है, यदि वे लाख से अलग धातु जैसे कांच की या प्लास्टिक की आदि की चूड़ियाँ पहनती हैं, तो उसे पूछिए कि लाख की चूड़ियाँ कैसी होती है, वे उसे क्यों नहीं पहनती। आप उनमें से लाख की चूड़ियाँ न पहनने का कारण भी लिखिए। तो आपको पहले क्या करना, अपने घर में देखना है कि आपकी जो माँ या घर की अन्य महिला है वो कैसी चूड़ियाँ पहनती है, फिर उनसे पूछिए कि लाख की चूड़ियाँ वो क्यों नहीं पहनती, और ठीक है, वो लाख की वो कंचियाल प्लास्टिक की चूड़ियाँ क्यों पहनती हैं। इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, तो इसमें लिखेंगे मेरी माँ लाख से की बनी चूड़ियाँ पहनती है, लाख की चूड़ियाँ पहनती है, लाख की चूड़ियाँ हाथ से बनाई जाती हैं जबकि कांच की चूड़ियाँ मशीन से। तो इसमें हम कहेंगे जो लाख की चूड़ियाँ होती है बच्चों की हाथ से बनाई जाती है, जबकि कांच की चूड़ियाँ क्या होती है मशीन से बनाई जाती हैं। लाख की चूड़ियाँ भारी होती है जबकि कांच की चूड़ियाँ हल्की होती है। कंपेरिजन है दोनों का कि जो हम कांच की चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनते, यहाँ पे आप लाख की चूड़ियाँ क्या कहते हैं कांच कहते हैं, क्योंकि आप लाख की चूड़ियाँ बहुत कम आते हैं, आप इसको कहेंगे कांच की चूड़ियाँ पहनती मेरी मम्मी, ठीक है। तो इसका कहेंगे कांच, तो इसका आप कर देंगे बच्चों कांच। मेरी माँ है जो कांच की चूड़ियाँ पहनती है, तो कांच की चूड़ियाँ पहनती है तो लाख की चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनती, इस वहां से लिखें लाख की चूड़ियाँ हाथ से बनाई जाती हैं जबकि कांच की चूड़ियाँ मशीन से, लाख की चूड़ियाँ भारी होती है जबकि कांच की चूड़ियाँ हल्की होती हैं, लाख की चूड़ियाँ की अपेक्षा कांच की चूड़ियाँ अधिक सुंदर होती हैं, ठीक है। तो कांच की चूड़ियाँ सुंदर होती है इसलिए जो है हम कांच की चूड़ियाँ आजकल ज़्यादा पहनते हैं और हम लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनते। अपना लास्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, पूरी वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है। वर्कशीट अगर आपको समझ में अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें बच्चों, शेयर करें दोस्तों के साथ और कमेंट करके ताकि आपकी वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।